महाराष्ट्र की सियासत में सबसे मजबूत गिने जाने वाले ठाकरे ब्रांड ने चुनावी पिच पर नया प्लेयर लॉन्च कर दिया है। नाम है अमित ठाकरे। अमित ठाकरे का चुनाव मैदान में उतरना राज ठाकरे के परिवार के लिए बड़ा मौका है, इसीलिए आरती की गई और बड़ों ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को राजनीति में तो 2020 में ही उतार दिया था, लेकिन चुनावी मैदान में कब उतारेंगे, उतारेंगे भी या नहीं, तब इसका हल्का सा भी अंदाजा नहीं लगने दिया था। लेकिन अपने फैसलों से हैरान करते रहे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें अमित ठाकरे का नाम दूसरे नंबर पर है। आत्मविश्वास खूप आहे, पण ते लिस्ट मध्ये नाव आल्यावर मला थोडं पोटात गोळा आलं। आता मला कळलं की आयुष्य चेंज होणार, म्हणजे जसं मी आधी वावरायचो तसं वावरू नाही शकणार किंवा काय, जो फ्रीडम होता तो जाणार आहे। खास बात ये, बालासाहेब ठाकरे के परिवार से चुनावी मैदान में उतरने वाले के तौर पर भी अमित ठाकरे दूसरे ही नंबर पर हैं। उनसे पहले ठाकरे परिवार के सिर्फ एक सदस्य ने चुनाव लड़ा, वो हैं आदित्य ठाकरे, जिनके पिता की पार्टी के लिए चाचा राज ठाकरे की पार्टी इस बार बड़ी चुनौती बन सकती है। बता दें कि राज ठाकरे ने अमित ठाकरे को चुनाव में उतारने की तैयारी तो की थी, लेकिन अमित ठाकरे के लिए विधानसभा क्षेत्र अंतिम नहीं हो रहा था। सोमवार की सुबह एमएनएस के नेताओं ने माहिम विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्ट राज ठाकरे के सामने रखा और उसके बाद अमित ठाकरे के नाम की घोषणा हुई। चुनावी राजनीति में अमित ठाकरे की एंट्री ठाकरे खानदान के लिहाज से बड़ी घटना है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, हल्के में टाल दिया। सर, अमित ठाकरे चुनाव लड़ने वाले माहिम विधानसभा में, सबको अधिकार है चुनाव। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या उद्धव ठाकरे ने माहिम सीट पर अपने भतीजे को वॉकओवर नहीं दिया, और क्या वर्ली विधानसभा सीट पर राज ठाकरे आदित्य के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे। ये माहिम क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है जिसमें शिवाजी पार्क आता है, जहां शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। ये वही क्षेत्र है जहां शिवसेना भवन यानी कि शिवसेना का जो मुख्यालय है वो भी आता है। ये वही माहिम है जहां राज ठाकरे को मानने वाले कई वोटर हैं, जहां से राज ठाकरे के उम्मीदवार नितिन सरदेसाई ने भी जीत दर्ज की थी। अभी अमित ठाकरे वहां से अपना चुनावी दौर शुरू करेंगे, तो बड़ा रोचक टर्न आ गया है। वैसे माहिम सीट पर अमित ठाकरे का असली मुकाबला शिवसेना के सदा सरवणकर से होने वाला है, जिन्होंने ठाकरे ब्रांड को खारिज किया और बाल ठाकरे की कहीं पुरानी बातों का जिक्र छेड़ दिया। बाला साहब ने जितने भी राजनीति किए, उन्होंने कभी इलेक्शन के लड़े नहीं, और उनका सोच भी यही था ठाकरे फैमिली से कोई इलेक्शन लड़ेगा नहीं। लेकिन उसके बाद आदित्य जी लड़े, उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अमित जी आ रहे तो उसमें वो कोई गलत तो है ही नहीं, लोकशाही है, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है लड़ सकते हैं। इसीलिए कुछ भी हो सकता है का इंतजार शायद राज ठाकरे को भी है, क्योंकि चाचा से मतभेद के बाद 2005 में शिवसेना छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने 2006 में अपनी पार्टी तो बना ली, लेकिन 18 सालों बाद भी ना तो सत्ता तक पहुंचे, ना पार्टी का प्रभाव मुंबई और नासिक से आगे ले जा सके। अब सवाल बेटे के भविष्य का है, जो राज ठाकरे की पार्टी का भी भविष्य तय कर सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.